चैट ब्रो के अंदर हम लोग जो करने वाले हैं, हमने एक बिल्डिंग का ही बना रखा है फ्रेम, इस पे कॉन्क्रीट डिजाइन हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। तो कॉन्क्रीट डिजाइन के लिए एक बार मैं जाता हूँ पहले जनरल में और यहाँ पे लोड डेफिनेशन में, और मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक लोड कॉम्बिनेशन लेना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे जाके एक डिफाइन कॉम्बिनेशन में एक मैंने कॉम्बिनेशन ले लिया और एड, तो मेरा एक लोड कॉम्बिनेशन हो गया है। अब लोड कॉम्बिनेशन के बाद एक बार इसको एनालिसिस करना पड़ेगा आपको, क्योंकि चेंजेस करे हैं तो वो इसके अंदर अपडेट हो ताकि। इसके बाद मॉडलिंग में रहना है। अब हमें यहाँ से जाना है डिजाइन में, डिजाइन में जाइए और डिजाइन में जाके यहाँ से कॉन्क्रीट डिजाइन, स्टील नहीं कॉन्क्रीट, बाय डिफॉल्ट स्टील होगा, आप कॉन्क्रीट ले लीजिएगा। और कॉन्क्रीट में जाके यहाँ से हम लेते हैं IS 456, ये IS स्टील कॉन्क्रीट के लिए कोड है। और डिफाइन पैरामीटर में जाइए, कौन कौन से पैरामीटर के लिए आप अपने स्ट्रक्चर को डिजाइन करने वाले हैं। मैंने यहाँ से लिया FC कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, या रही अभी आप कुछ भी लेना चाहते हो ले सकते हो। मैं ले 30,000 के लिए कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होनी चाहिए। और यील्ड स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए, 4-5, ये मैंने इसकी यील्ड स्ट्रेंथ ले ली, ठीक है ना। इसके अलावा और कुछ हमें चाहिए तो आप यहाँ से ट्रैक ले सकते हो, ट्रैक 2 लेने से क्या होगा, बीम और कॉलम का डिजाइन आएगा, साथ में इंटरमीडिएट लेवल की जो डिटेलिंग है वो भी आएगी, और इसके अंदर स्टील का कितना सेक्शन रिक्वायर्ड है वो भी आएगा। ऐड कर दिया, क्लोज। आप देखिए यहाँ पे ऐड हो गया होगा, FY मैंने शायद 2 बार कर दिया था गलती से, तो एक को डिलीट कर देता। और इसे क्या करना पड़ेगा, असाइन टू व्यू, असाइन टू व्यू से ये कॉलम और बीम दोनों पे असाइन हो जाएगा। और ये क्योंकि हमें कॉलम और बीम दोनों के लिए चाहिए इसलिए दोनों को लेना है। फिर यहाँ से कमांड में जाइएगा और कमांड में जाके मैंने लिया ऐड बीम, ऐड कॉलम और टेक ऑफ। टेक ऑफ में कॉन्क्रीट का वॉल्यूम आ जाएगा और स्टील का वेट आ जाएगा। अब जब आप यहाँ पे जाएंगे तो टेक ऑफ तो अपने आप असाइन हो गया, कॉलम और बीम। मैंने यहाँ से क्लिक किया बीम और सिलेक्शन में जाके यहाँ से सिलेक्ट करते हैं बीम को, जितनी भी बीम है, और करा ऐसा, ठीक है। अब कॉलम पे पहले क्लिक करके रखा और फिर सिलेक्शन में जाके जो हमारे कॉलम है वो सारे कॉलम सिलेक्ट हो गए और असाइन टू सिलेक्टेड बीम, असाइन टू सिलेक्टेड बीम, ये वर्टिकल वाले पे असाइन हो गया। तो हमारे कॉलम डिफाइन हो गए हैं और बीम दोनों चीज डिफाइन कर लिए हमने, और जो पैरामीटर थे वो हमने ले लिया है। अब यहाँ से जाएंगे और क्लिक करेंगे कॉन्क्रीट डिजाइन। जैसे ही आप कॉन्क्रीट डिजाइन पे क्लिक करेंगे एक नई विंडो खुल के सामने आ जाएगी। इसके बाद कोई बात नहीं, यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले लेना एनवलप, एनवलप में जाएंगे और यहाँ से लेंगे न्यू एनवलप। एनवलप का नाम कुछ भी आप रख लीजिए जो भी आपको याद रहे। मैंने E1 भी क्या बल्कि EB ले लेता हूँ, एनवलप फॉर बीम, पहले बीम का कर लेते हैं, ओके। और कॉम्बिनेशन को लेके इधर हमने ऐड कर लिया और ओके, ठीक है। फिर जाइए यहाँ से मेंबर्स में, और मेंबर में जाके मैंने सारे मेंबर्स को सिलेक्ट किया और मेंबर मेन्यू में जाके ऑटो फॉर्म मेंबर, तो सारे मेंबर ऑटोमेटिकली ये फिजिकल मेंबर फॉर्म हो गए। फिर यहाँ से जाके हम करेंगे ग्रुप एंड ब्रीफ। ग्रुप एंड ब्रीफ में जाने के बाद पहले लीजिए ऐड ब्रीफ, न्यू ब्रीफ। न्यू ब्रीफ में हमने लिया ब्रीफ फॉर बीम, बीम को ले रहे हैं हम, ठीक है। और हमारा डिजाइन कोड था IS 456 और बीम यहाँ पे आ ही रहा है, कॉलम होगा तो कॉलम चेंज करना पड़ेगा, ओके। और यहाँ से कॉन्क्रीट का ग्रेड लेना चाहते हैं, कॉन्क्रीट का ग्रेड ले लीजिए M30 लेना चाहते हैं। और यहाँ पे अगर देखेंगे आप तो एनवलप EB हमने लिया है। जब कॉन्क्रीट के इसके कॉलम के लिए लेंगे तो यहाँ पे फिर दूसरा आपको लेना पड़ेगा EC जो आ रहा होगा वो ले लेंगे, ओके। फिर जाएंगे यहाँ से ऐड न्यू डिजाइन ग्रुप, और डिजाइन ग्रुप हमें बनाना है बीम के लिए, और यहाँ पे बीम ही हमारी ब्रीफ है, ओके। अब यहाँ से आपको करना क्या है, सामने से जाइए, जो भी हमारी बीम थी उन सारी बीम्स को सेलेक्ट करिए, कंट्रोल होल्ड कर लीजिए और ये सारे के सारे आ जाएंगे। फिर राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करके यहाँ पे आएगा ऐड मेंबर टू डिजाइन ग्रुप। जितने भी ये मेंबर्स हैं जो सिलेक्ट हो रखे हैं वो सारे के सारे चले जाएंगे डिजाइन ग्रुप बीम के अंदर, और क्लिक करें ऐड। अब इसको पता चल गया कि ये सारी की सारी बीम्स हैं। अब जाएंगे यहाँ से हम कॉन्क्रीट मेंबर, और देखिए रेड भी हो रहे हैं, अपने आप दिख रहा होगा आपका हाईलाइट। अभी फेल फेल लिखा हुआ है तो मतलब फेल नहीं हुआ है। अभी इसको डिजाइन में जाएंगे और डिजाइन में जाके ये नाम नंबर आने चाहिए जो जो हमने सेलेक्ट करे हुए थे, और डिजाइन पे क्लिक करेंगे।
डिजाइन पर क्लिक करते ही ओके हो गए हैं। जो मेंबर फेल हो रहे होंगे ड्यू टू लोड या सेक्शन के लिए, तो वो आपको यहाँ पे फेल होते हुए दिख जाएंगे। फिर यहाँ से जाएंगे मेन लेआउट, ये मेन लेआउट आ जाएगा इसका, यहाँ पे लगने वाली है स्टील की बीम्स, ठीक है ना। फिर यहाँ से जाएंगे, जैसे हमने क्लिक किया बीम लेंथ आगे, ये हॉग सैग साइड जा रहे हैं आपके बार सीयरिंग, ये वाली बार है। यहाँ से हमने कौन सा वाला है ये क्लिक किया, कितनी 8 बीम्स लग रही हैं यहाँ पे, देखा 4 लगेंगी 8 mm की, ठीक है बार। शेयर लेआउट, ये शेयर लेआउट आ जाएगा आपका। और यहाँ से अगर जाएंगे शेड्यूलिंग में, तो शेड्यूलिंग में इसका स्पैन 1, 2, 3 तीनों के लिए आप चाहते हैं तो आप इसको DXF ऑटो करके फॉर्मेट में बना सकते हैं, अपने आप उसकी ड्राइंग बनी हुई आ जाएगी ऑटोमेटिकली, कौन से पेपर के अकॉर्डिंग ले रहे हैं वो भी, और ओके कर देंगे सेव हो जाएगी, ऑटो करके खोल लेना खोलना चाहते हैं। इसके बाद आपको करना क्या है, इसे कर दीजिए सेव, सेव कर दिया, और सेव करने के बाद कर दीजिए क्लोज। क्लोज करने के बाद आपको करना है फिर एनालिसिस में आके रन एनालिसिस, और ये कैलकुलेट होने के बाद आप जाइए आउटपुट में, आउटपुट फाइल में जाने के बाद रिजल्ट में जाएंगे, और यहाँ से कॉन्फिग डिजाइन, ये कॉन्फिग डिजाइन आ गया बीम नंबर 1 के लिए, ये है ऐसी 2, 3, 4, 5 जितनी भी आपने सेलेक्ट किए थे सबके लिए। और सबसे लास्ट में जब हम आएंगे तो यहाँ पे आपको टेक ऑफ मिल जाएगा, टोटल कंक्रीट का वॉल्यूम कितना लगेगा हमारे बीम्स में वो ये आ गया, 8 mm की बार कितना लगेगा उसका वेट ये आ गया न्यूटन में, और 12 mm की बार कितनी लगेगी उसका वेट आ गया ये, तो हमारे स्ट्रक्चर में कितना कंक्रीट लगने वाला और कितना स्टील लगने वाला ये है 97.5 क्यूबिक मीटर आ रहा है कॉन्क्रीट। मैंने करा क्लोज, अब यहाँ से किसी भी बीम पे डबल क्लिक करेंगे और कॉन्क्रीट डिजाइन में, तो कॉन्क्रीट डिजाइन में आपको दिखाई दे जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आ गया लेंथ आ गई, विड्थ आ गई, लोड यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है, उसका डायग्राम कुछ यहाँ शो कर रहा है। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, अब मैं क्या करना है, दोबारा से मैं लेना चाहता हूँ अपीयर कॉलम के लिए, तो दोबारा से यहाँ से जाएंगे और एनवलप लिया और न्यू एनवलप लिया, और इस बार लिया मैंने EC कॉलम के लिए, और लोड को इधर ले लेते हैं कॉम्बिनेशन के लिए, मेंबर ऑलरेडी डिफाइन कर ही चुके हैं। फिर यहाँ से जाएंगे न्यू ब्रीफ, न्यू ब्रीफ हमने लिया बी कॉलम के लिए, है ना, और बीम की जगह कॉलम, ओके मेंबर लोड आ रहा है उसके अंदर, और यहाँ से हमने इस कॉम्बिनेशन के लिए करना है, ओके ऐड हो गया। फिर न्यू डिजाइन ग्रुप में जाइए और हमें लेना है कॉलम वाला डिजाइन ग्रुप, और सीसी कर दिया कॉलम के लिए, ओके अब कॉलम सेलेक्ट करने हैं तो यहाँ से जाइए और ये कंट्रोल को होल्ड कर लीजिएगा, कॉलम आ जाएंगे, आइसोमेट्रिक में जाके एक बार चेक भी कर लीजिएगा कॉलम प्रॉपरली आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। फिर राइट क्लिक करेंगे और करेंगे ऐड मेंबर टू डिजाइन ग्रुप, और ऐड करना है सीसी वाले में और ऐड, ओके फिर आपको जाना है कॉन्क्रीट मेंबर में, सिलेक्ट भी हो रहे हैं देखिए दिख रहा होगा आपको, डिजाइन में जाएंगे और करेंगे देखिए 51, 52 इसके आगे के बन रहे और डिजाइन, डिजाइन में जो पास हो रहे हैं फेल हो रहे हैं। मेन लेआउट में जाइए, स्टेप से क्या आ रहा है हमारा, शेयर लेआउट स्टेप से आ रहा है, रिजल्ट में देखेंगे ये ना हमारा जो सेक्शन था, हमने सेक्शन जो लिया है वो थोड़ा सा बड़ा है, इस वजह से ऐसा आ रहा है। अब इस वाले पे क्लिक करिए 51, ये 51 वाला ये वाला है, इसमें 8 बार लगेंगे 12 mm की, ठीक है। फिर यहाँ से शेड्यूलिंग, सेम शेड्यूलिंग लगी, शेड्यूलिंग आपका आ जाएगा, इसे करा कैंसिल, फिर यहाँ से करेंगे इसको सेव और कर दीजिए क्लोज। फिर यहाँ से एनालिसिस करके रन एनालिसिस और आउटपुट फाइल, और यहाँ से कॉन्क्रीट डिजाइन, और सबसे लास्ट में जाता हूँ, ठीक है आ जाएगा यहाँ पे आपका पूरा का पूरा, ठीक है अब सबके लिए दिखा रहा होगा, है ना क्लोज। और यहाँ से आके से डबल क्लिक करेंगे कॉन्क्रीट डिजाइन, तो ये आपका आ गया। बार कितनी लगेंगी, 12, नंबर ऑफ बार 8 लगेगी और बार का साइज 12 रहेगा, ठीक है और ओके, और ये हमारा कंप्लीट हो गया, कर लीजिए इसको और